हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज़ीनोज़ ऑन। आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्वल फ्यूचर एवोल्यूशन की, डॉक्टर स्ट्रेंज स्टोरी मोड के चैप्टर 2 न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की फोर्थ वीडियो के बारे में। हाँ यार, चैप्टर 2 खत्म ही नहीं हो रहा, हम क्या करें। चौथी वीडियो आ गई और पता है अभी भी खत्म नहीं हुआ है, तो पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है इसके अंदर। यार बहुत लंबा खिंच गया चैप्टर 2 हमारा यहाँ पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही बेल आइकन को दबाकर और क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल के हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग एंजॉय कर सके ऐसी और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग गेम्स की गेम प्ले वीडियोस को। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हमने कर दिया यहाँ पर गेम को स्टार्ट। ओ भाई, अब कोर पे चेंज हो गया इनका पूरा। अच्छा, अरे इटर्नल्स हैं ये। आप लोग जानते हैं मार्वल की न्यू मूवी आने वाली है, मतलब आई गई है इटर्नल्स। ओहो ओहो ओहो, एंजेलिना जोली। चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर, और एक मिनट से बंद कर लेते हैं ज़रा। आदेश तो यहाँ लिखा आ रहा था इटर्नल्स अपडेट। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज का। लेवल 8 में चल रहा है अभी, पावर हमारे यहाँ पर 6967 है। स्टार्ट करते हैं और बुम्बा मचाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टोरी मोड के साथ। आप लोग जानते हैं जब भी हम लोग यहाँ पर डेली गेम को लॉगिन करते हैं तो हमें एक सर्टेन रिवॉर्ड मिलता है, तो क्रिएट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, देखते हैं क्या मिलता है। द इटर्नल अपडेट स्पेशल लॉगिन इवेंट, ठीक है। फिर मिलता है हमें यहाँ पर मंथली चेक इन का। सो व्हाट यू आर टेलिंग मी इज दैट सेक्टर 412 इज अंडर अटैक बाय हु? योर टेंपरमेंटल कजन। आई हैव टोल्ड यू 4 टाइम्स, क्रो इज नॉट एन इटर्नल, ही इज अ डेविएंट, अ जेनेटिक ऑफशूट ऑफ। Whatever you say, just remind me not to come to your family reunion. I should have known better than to come here. But you went and did it anyway, didn't you? Whoever you are. I am Gilgamesh. I once served as an Avenger. Not one that I remember. Doesn't matter, though. I scanned that sector. Nothing there but ancient ruins and rotting trees. For one who is supposed to be so wise, you are quick to believe only what you see. What I see is a world in chaos, and you adding more problems to my list. But fine. You need help resolving your family drama, I'll send out some agents. Send your best, and pray they are enough. Lo bhai, Eternal ke characters dikh gaye hain yahan par, bahut sahi. Guys, aa chuke hain hum log yahan par hamari game ki main gameplay pe, aur hum log move karte hain yahan pe. कुछ नहीं, सिंपली आपको जाना है ऊपर टॉप राइट पर, देख सकते हो आप लिखा हुआ है डिफीट द अल्ट्रॉन बॉम्बर। तो आपको सिंपली टैप करना है इस पर और आपको डायरेक्टली यहाँ पे मशीन की तरफ ले जाएगा, तो आपको घूमना नहीं पड़ेगा ना, कन्फ्यूज होना पड़ेगा। क्लेम कर लेते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। हाँ, क्योंकि इनका चल रहा है इटर्नल इवेंट्स, मार्वल की मूवी है और मार्वल की गेम में तो लिंक तो होगा ही। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, मूव करते हैं हम लोग। और ये शिप गई हमारी सीधा पहली फुर्सत से सीधा अर्थ की तरफ। एंड अगेन यहाँ पे आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, और ये हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज। ओहो ओहो, आ ये एकदम सॉफ्ट लैंडिंग। चलो यार मूव करते हैं, देखते हैं न्यू स्टार्क सिटी पेगासस। तो यहाँ पर टोनी बता रहा है कि जो अल्ट्रॉन्स का स्टार्ट किया था हमने डिस्ट्रक्शन, सेल्फ डिस्ट्रक्ट वाला, वो कंप्लीट हो चुका है, और जो बाकी बचे हुए हैं यहाँ पे थोड़े बहुत हैं उनको हमें ढूंढ के डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। आप यहाँ पे हमें टैप दे सकते हो, आप यहाँ पे जो आपको शो हो रहा है सिंपली आप इस पर टैप करोगे तो आपको पहुँचा देगा यहाँ पर ये। और ये क्या आ रहा है, अच्छा यहाँ पर शॉप है। तो देखो यहाँ पर आप लोग जो मेड किट होती है वो यहाँ पर बाय कर सकते हो गोल्ड कॉइंस के थ्रू। हमारे पास यहाँ पर 3 लाख कुछ हैं और ये तो बस 40-60, तो हमारे पास ऑलरेडी अभी यहाँ पर मेड किट है वैसे तो। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से बाय कर सकते हैं यहाँ पर। और फिलहाल हम लोगों के यहाँ पर इंडियंस के अलावा आप यहाँ पर जो आपका करेक्टर का आर्मर है, जो इन्वेंटरी है पूरी, वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल तो हमें यहाँ पर नीड नहीं है, हम लोग चलते हैं सीधा, मूव करते हैं मिशन की तरफ। हम लोग चलते हैं सीधा मिशन की तरफ। चलो चलो, अरे यार इसने एक ही डायलॉग रट्टा मार रखा है। निकलते हैं यहाँ से आगे, तो वही अब यहाँ पर हमें टैप ही करना पड़ेगा, वरना तो ऐसे कन्फ्यूज हो जाएंगे हम लोग। देखो टैप की यहाँ पर लोकेशन शो हो गई है, सिंपली आपको यहाँ पर एरो को फॉलो करना है और जो भी आपको एक मेन टास्क होगा वो यहाँ पहुँच जाएंगे आप। यार इस गेम को एक तो बहुत पावरफुल डिवाइस चाहिए इस गेम को।
अब देखो मैं बता चुका हूँ आपको, ये नहीं है कि जाके आप भिड़ना शुरू कर दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ, क्योंकि आप लोग लड़ते रहोगे, पता लगेगा आपको फिर आधे घंटे बाद लड़ने के बाद कि ये करना ही नहीं था जो कि हमारे साथ लास्ट वीडियोस में एक दो बार हो गया है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्मार्टली खेलना है। हाँ तो यहाँ पे क्या रहा है, ये क्या है, तो ये मोहतरमा यहाँ पे बोल रही है कि ब्रेव वॉरियर तुम शायद मेरी हेल्प कर सकते हो। ऐसे कैसे भाई, 150 रुपया लेगा? तो ये बता रही है कि इसका नाम पैटर है यहाँ पर, और इसको भेजा है यहाँ पर न्यू स्टार्क सिटी में लॉर्ड थॉर। अरे थॉर ने भेजा है, मतलब थॉर के बिहाफ पे आई है। अरे ये क्या बात हुई। तो ये बता रही है कि यहाँ पर सेंचुरी ढूंढ रही है हीरोज की, और इसे अब तक नहीं मिला। सेंचुरी बेसिकली ये होता है, मतलब एक पवित्र स्थान होता है, उसको यहाँ पे बोला जाता है। तो यहाँ पे ये क्या ढूंढ रही है, और ये बोल रही है कि मुझे अब तक कोई नहीं मिला। अच्छा, और ये हमसे हेल्प के लिए बोल रही है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारी हेल्प करो ढूंढने के लिए। और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज बोल रहे हैं कि मैं तो बहुत सारे हीरोज़ के सेंचुरी को जानता हूँ, लेकिन तुम्हें कौन चाहिए थोड़ा स्पेसिफिकली बताओ मुझे। और ये बोल रही है कि मुझे याद है जो डिस्क्रिप्शन दिया था यहाँ पर लॉर्ड थॉर ने, तो वो यहाँ पर बताने की बात करने वाली है। तो ये बता रही है कि वो जो जगह है, वो जो हेमडल्स का वॉच टावर है, उससे भी ज़्यादा हाइट में लंबी है, जितना गोल्डन पैलेस ऑफ एसगार्ड है। ओहो, ये कौन सी जगह है यार। एक तो यार इस गेम के अंदर अगर थॉर होता ना बाय चांस हीरोज़ में, तो भाई साहब उसी की स्टोरी खेल रहे होते हैं। मेरा मार्वल का जो फेवरेट करेक्टर है वो थॉर ही है यार, अलग ही वाइब है भाई उस करेक्टर की। और यहाँ पर हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज जी बोल रहे हैं कि ऐसी जगह तो यहाँ पर इस सिटी के अंदर, स्टार्क सिटी के अंदर बहुत सारी हैं, तो मुझे थोड़ा और बताओ इस बारे में। हाँ अब बोले ना, इसने बता दिया कि अब थॉर ने एक चीज़ और भी बताई थी हमें। ओ भाई, थॉर सेवेज हुआ पड़ा है भाई, बोल रहा है कि उसका जो साइज़ है टावर का वो वैसा ही होगा एग्जैक्ट जितना जिसने उसे बंदे ने बनवाया है उसका ईगो होगा, मतलब उसके ईगो के साइज़ जितना उस टावर का साइज़ होगा। ओ भाई, लगता है यहाँ पर ये समझ गया है कि कौन सी जगह है वो वाली। तो फ्रेंड्स, आ चुके हम लोग यहाँ पर वापस। यहाँ पे क्या आ रहा है, रिवील द लोकेशन स्टार्क सिटी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको राइट में दिख रहे हैं दो टास्क हैं हमारे, तो या तो आप पहले कर सकते हो डिफीट द अल्ट्रॉन बॉम्बर, या फिर कर सकते हैं रिवील द लोकेशन। तो क्योंकि लास्ट वीडियो में हमारा पार्ट बच चुका था अल्ट्रॉन बॉम्बर वाला, तो इसे फिनिश कर लेते हैं हम लोग। हम लोगों को यहाँ पर 5 अल्ट्रॉन मारने हैं जो कि बॉम्ब लेके आए हैं, क्योंकि सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो रहे थे ना ये, तो ब्लास्ट होंगे अगर, तो फिर इतनी जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी हाई होगी, ये हो सकता है हमें दिक्कत हो जाए और शायद स्टार्क सिटी ब्लास्ट हो जाए। चलो यार स्टार्ट करते हैं, बूम बम मचाते हैं। ओ एक मिनट, ये क्या हो रहा है, कट सीन सी अपने मजे हैं भाई। दिख रहा है यहाँ पे आपका अवेंजर्स टावर, लो भैया बहुत सही, हमने उसके यहाँ पे भेज दिया पहली फुर्सत से जहाँ वो लोकेशन की बात कर रही थी। तो एक तरीके से वो एवेंजर्स के टावर की ही बात कर रही थी कि जिसने उसे बनवाया है उसका ईगो उतना ही बड़ा है जितना उस टावर की हाइट है। अरे रे रे रे, बेचारा टोनी स्टार्क हमारा। चलो यार हम लोग मूव करते हैं जरा, जब अल्ट्रॉन वाला पार्ट रह गया था लास्ट वीडियो का, सीधा भागते हैं हम लोग यहाँ से और बूम बम मचाते हैं लेवल 9 पे हम लोग। ओहो, ये देखो थोड़ा सा मारा आपने, फिर एरिया से भाग चल जाओ। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोग जो है इकट्ठे फायरिंग करेंगे तो अटैक ज़्यादा मिल सकता है, तो आपको स्ट्रेटजी वाइज खेलना है। एक को दो को बुलाया, उनको मारा, फिनिश किया, फिर अंदर गए। देखो दो हो चुके हैं हमारे, अब तीन हो गए, दो और मारने हैं, और सिंपली आप जाओ पेल दो जाके। और यहाँ पे उसके अपने आई ऑफ अगुमोटो ले बैठे। ओ ओ फिनिश भाई, खत्म, पेल दिए भाई, पेल दिए। तो जो उसकी आई ऑफ अगुमोटो 5 हो गए। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये क्या हो रहा है, टैप का आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन, टैप करते हम लोग, दोबारा आ रहा है, क्या होने वाला है भाई। स्कैन करा किसी ने इसको, क्या फेंक दिया ये। अब यहाँ पे स्वाइप का आ रहा है। ओ अरे ये तो मर गए। That was too close. But we're not out of the woods yet. All of the Ultrons are shut down except for one. तो यहाँ पर टोनी भैया ने सबको निपटा दिया है अल्ट्रॉन्स को, लेकिन सिर्फ एक बच गया है यहाँ पर। तो जो यहाँ पर लास्ट अल्ट्रॉन बचा हुआ है वो ब्लास्ट नहीं हुआ जैसा उसको होना चाहिए था वायरस के थ्रू, और कुछ गड़बड़ी आ गई यहाँ पर। तो आई गेस हम लोगों को चेक करना पड़ेगा ताकि हम लोग उसको, क्योंकि टोनी यहाँ पर उसको हैक भी नहीं कर पा रहा, और जब तक ये इसे हैक नहीं कर पाएगा ये उसके अंदर वायरस को इंस्टॉल नहीं कर पाएगा, तो यानी कि ये काम अब हमें करना होगा।
और टोनी यहाँ पे बता रहा है कि ये जो यूनिट बची है अल्ट्रॉन की, यही जो यूनिट है ये थोड़ी अजीब सी लग रही है ऐसे, और इसको डाउट है कि शायद ये लोग थोड़े पावरफुल भी होंगे। डरते हैं क्या यार डॉक्टर स्ट्रेंज के, आप मैजिकल पावर्स को जानते हैं, टाइम स्टोन है भाई के पास हमारे, तो डरने की क्या है बात। ओहो तो यहाँ पे टोनी बोल रहा है कि भाई हम लोग जाएं कन्वर्जेंस लैब की तरफ, और जो उसकी शाइनी मेटल की बैक है वहाँ पर एक धमाकेदार लात मारें। अरे वाह टोनी, देखो भाई टोनी का अपना एक स्वैग तो है। चलो भाई वो निपटा काम हमारा यहाँ पर। अरे अब भाई, ओ भाई निकल निकल निकल, मुझे लगा था काम खत्म हो गया होगा। और यहाँ पर टोनी कुछ बता रहा है, लेट्स हो। अरे रिमेनिंग मिशन एजेंट यू कैन चेक। अरे अच्छा तो यहाँ पे हम लोग साइड मिशन भी कर सकते हैं, और कलेक्टिवर्स भी यहाँ पर 10 बचे हुए हैं हमारे। एक काम करते हैं, थोड़े से साइड मिशन खेल लेते हैं हम लोग। कहाँ कहाँ पर हैं? अच्छा जो मैप के अंदर वो ग्रीन साइन शो कर रहे थे वो साइड मिशन थे हमारे। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, पहले एक मिनट यार, पहले तो हम लोग ये ले लेते हैं यहाँ पर, बहुत ज़रूरी आप लोग जानते हैं। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, या तो आप लोग जो साइड मिशन है उनको कंप्लीट करो, क्योंकि वो करने पड़ेंगे अल्टीमेटली, वरना आपका करेक्टर जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा, वो अपग्रेड नहीं कर पाएगा। या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर जो डायरेक्ट मेन मिशन है आपका, जो कि ऊपर आ रहा है गोड कन्वर्जेंस लैब, जहाँ पर उसने कहा है कि उस अल्ट्रॉन के पीछे रख के मार रहा है हमें। देखो आप शांति से निकल जाओ यहाँ से, अगर आप फाइट करोगे तो ये आप पे बैकफायर करेंगे, और वो चीज़ हमको फिलहाल नहीं चाहिए। अब यहाँ पे फिर वही कॉल वाली बात आ चुकी है कि आपको साइड मिशन करना है या फिर आप करना चाहते हैं मेन मिशन। तो देखो मेन मिशन करना है तो आप राइट में जो लाइट शो हो रही है इस पर क्लिक कर, मतलब इसके पास जाओगे तो शुरू हो जाएगा, वरना अगर हमें चाहिए यहाँ पर साइड मिशन तो अच्छा ही वहीं से उससे अच्छा, जिस भी आप ग्रीन साइन पर टैप करोगे तो आपका जो करेक्टर है वो उस साइड मूव करना स्टार्ट करेगा अपने आप। ये देखो जैसे जा रहा है ना ये, ठीक है, मतलब एक तरीके से ऑटो वाला काम हो गया है यहाँ पर, कि आप क्लिक करो तो ये ऑटो मूव करेगा। क्या करा जाए बताओ, साइड मिशन खेल लें क्या? सामने खड़ा है तो, और स्पाइडरमैन खड़े हैं भाई यहाँ। और यहाँ पे स्पाइडरमैन बोल रहा है कि कितना अजीब है यहाँ पर, और इस डायमेंशन में कितने और स्पाइडी फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे हैं मेरे भाई। डॉक्टर स्ट्रेंज भी मिला था मैं स्टार्टिंग में पहली वीडियो के अंदर, जहाँ पर एक और स्ट्रेंज था जो हमसे भी ज़्यादा पावरफुल था। हाँ, जो हमारे न्यू व्यूअर्स को बताया था यहाँ पर कि जब कन्वर्जेंस हुई तो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन की जो अर्थ थी वो सब के सब एक टाइम पे आ चुकी हैं, यानी कि अलग अलग टाइम जोन पे अलग अलग हीरोज जो थे वो सब के सब एक टाइम के अंदर आ चुके हैं, यानी कि इसी एक स्मार्ट सिटी के अंदर हो सकता है 50 स्पाइडरमैन हो, 50 डॉक्टर स्ट्रेंज हो, 50 आयरन मैन हो। तो पूरी भरड़ मची हुई है भाई साहब यहाँ पर एकदम। और अभी ये भाई साहब बोल रहे हैं सॉरी मेरे पास खेलने के लिए टाइम नहीं, हम लोग जो स्पाइडी गाइज हैं हम लोग बहुत बिजी हैं इंपॉर्टेंट स्टफ के अंदर। हाँ हम तो घूम रहे हैं पार्क के अंदर, यहाँ पर हमें काम धाम थोड़ी ना है, जो स्टार हमसे हमें काम दे रहा है वो ऐसे ही दे रहा है वो। तू ही बिजी है सबसे ज़्यादा, मेरा तो बस चलता है मैं अभी स्पाइडरमैन को सच में स्पाइडर बना देता मैजिक से अपने। ये सैवेज रिप्लाई दिया हमारे लॉन्डे ने यहाँ पर, ये बोल रहा है कि तुम स्पाइडरमैन जो हो तुम पे किसने कुछ ज़्यादा कर रखा है, क्या स्पेल कर रखा है जो अल्ट्रॉन इतनी धूम मचा रहे हैं। इतना इन्होंने 3 वीडियो खींच दी हमारे एरिया 2 की, तो मैं देखा नहीं अब तक क्या कांड कर रहे हैं यहाँ पे। वाह अब ये बोल रहे हैं कि रिलैक्स गाय, यहाँ पर अल्ट्रॉन के अटैक हर दिन होते हैं, और हम जो स्पाइडी गाइज हैं हम लोग कभी भी ऐसे हर मैटर के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते जब तक एंटायर स्पाइडी वर्स के अंदर हमला ना हो। अब भाई क्या नकली सस्ता हीरो है भाई, यहाँ पे अल्ट्रॉन ने हमारी बैंड बजा रखी है भाई। अरे नहीं नहीं भाई देखो मैं अपने शब्द वापस देता हूँ, बहुत अच्छा लौंडा है हमारा स्पाइडरमैन। ये बोल रहा है कि भाई तुम इस बार संभाल लो, अगली बार कुछ होगा तो मैं दूनी एनर्जी से फाइट करने के लिए आऊँगा। आई टेक माय वर्ड्स बैक मैन। बहुत बढ़िया हीरो है, बहुत प्यारा हीरो है, आई गेस यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं हम लोग यार। व्हाट नो वे, तो हो उस स्पाइडरमैन का पंगा हो गया अब यहाँ पर। और देखो फुटबॉल यहाँ पर दो टास्क हो चुके हैं हमारे, एक मेन टास्क के और फिर एक हमारा दूसरा टास्क जिसमें हमारा डिस्ट्रॉय द अल्ट्रॉन रेड पॉड। चलो बढ़ते हैं आगे हम लोग, यही है क्या? अब देखो एकदम से मारना स्टार्ट मत कर देना, पहले चेक करो जगह यही है या नहीं है। यही है तो फिर सोच क्या रहे हो, हमने शुरू करो मेरे भाई, शुरू करो, पेल दो ये ले बेटे। अबे ये काम हो गया, ये ले भाई साहब डॉक्टर स्ट्रेंज का चक्रा। और ये आ चुकी है हमारी आई ऑफ अगुमोटो, आप लोग जानते हैं ग्रीन लाइट से अटैक कर रही है वो, लाल से कर रहे हैं हम लोग, फुल ऑन बूम बम भाई।
ग्रीन लाइट से कर रही है, वोटा रेड से कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, फुल ऑन बूम बम भाई साहब, फेल दिया इनको, खत्म, गुड बाय, टाटा, गया। एक बंदे को फिनिश करना है यहाँ पर, फिर हमारा तीन हो जाएगा यहाँ पर दो, अरे खत्म हो गया हो गया हो गया। और यहाँ पे निक फ्यूरी बोल रहा है कि भाई ये सब तो चलता रहता है मेरे भाई, और ये एक दिन में खत्म नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा, तो तुम जरा मेन काम में ध्यान लो और निकलो पहली फुर्सत से। बदतमीज निक फ्यूरी। और अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो बाकी हीरोज फाइट कर रहे हैं ना उनसे, अल्ट्रॉन से, इस समय जहाँ पर हम भी इस एरिया में फाइट कर रहे हैं, तो इनको रोको, इनको अपनी भी टीम में वापस भेजो, ताकि अपने जो रिस्पेक्टिव काम उनको करें यहाँ पर, और इन अल्ट्रॉन से लड़ना बंद करें, क्योंकि ये तो स्टार्क संभाल ही लेगा, बाकी हम लोग तो है यहाँ पर। चलो भाई यहाँ पर अब इनसे फाइट करते हैं हम लोग। ओहो पीछे से भी आ रहे हैं, बहुत सारे हैं यहाँ तो, लेकिन आप लोग जानते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही पावरफुल है इनके सामने। हालांकि जैसे जैसे हमारा यहाँ पर लेवल बढ़ेगा तो हम लोग और भी अच्छा इंप्रूव कर पाएंगे क्या। नहीं भाई इनको नहीं मानना, ये टास्क थोड़ी ना, ये तो मैं ऐसे ही मार रहा था इनको, तभी तो मैं, यही तो आपको मैं कहता हूँ कि गेम में आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना। यहाँ पे हमें लड़ना ही नहीं है, सिंपली आप टैप करो आ रहा है यहाँ पर टॉक टू स्पाइडरमैन, वो करना है हमें। अब तुम लड़ते रहो आधे घंटे तक। चलो बात करते हैं ये तो, या फिर दोबारा वही सेम बात बोल रहा है, ये तो चीटिंग हो गई, अभी तो तुझसे बात करी थी हमने यहाँ पर। अच्छा इससे बात करनी है, अरे कैप्टन मार्वल कहाँ से आ गई, अरे बैक हो भाई, ये जिस देखो जिस पे आ रहा है ग्रीन रंग कमेंट का साइन आ रहा है, इससे बात करनी है हमें। पर ये टैप क्यों नहीं हो रहा यार, अरे यार कैप्टन मार्वल, अरे हो जा भाई, एक तो चारों इकट्ठे खड़े, अच्छा थोड़ा पीछे होकर जाना था, हाँ अब करते हैं हम लोग। अरे भाई क्या हाल बना रखा है स्पाइडरमैन, ये डैनी मैनी वो हो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हर हफ्ते पहले, मतलब अखबार के पहले पन्ने पे हमारी काम धाम छपते हैं भाई हमारे, और जानते हो वही प्रूफ है हमारे लिए, और मैं ही असली स्पाइडरमैन हूँ। हाँ भाई आप ही हो जो साथ में खड़ा हुआ है, जिससे हमने पहले बात करी, वो सब नकली है, मल्टीवर्स के हैं वो, पर असली आप ही हो, समझ रहे हैं हम। और यहाँ पर ये दूसरा स्पाइडरमैन बोल रहा है कि क्या स्पाइडरमैन बगल के अंदर नहीं है, और ये बोल रहा है कि जो जोन आया है वो मैं रिसिस्ट नहीं कर सकता या कर सकती भाई, और ये कह रहा है कि अपने डायमेंशन के अंदर मेरे ऊपर, मैं स्टार था अपनी मूवीज़ का और मैं स्टंट करता था अपने भाई साहब, मतलब एक कंफ्यूज मत हो, सिंपली बेसिकली यहाँ पर दोनों स्पाइडरमैन जो है अपने अपने डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं कि मेरे अखबार के अंदर कारनामे छपते थे, और ये बोल रहा है कि मैंने मूवीज़ में काम किया, स्टंट करता हूँ, तो मतलब अपनी मस्ती चल रही है इनके यहाँ पर, दिखा रहे हैं कि मैं ज़्यादा बड़ा हूँ, ये दिखा रहे हैं कि मैं ज़्यादा बड़ा हूँ। ये लो तीसरा स्पाइडरमैन आ गया, ये बोला कि तुम्हारे पास मूवीज़ थी, मैं तो भैया मेरे पास कार्टून कॉमिक बुक आती थी, और साथ में इसकी एक लाइन ऑफ एक्शन फिगर्स थी, साथ में इसको सुपर मॉडल वाइफ मिलती थी। अरे भाई यहाँ पर अल्ट्रॉन्स बैंड बजा रहे हैं, ये अपनी अपनी तारीफें कर रहे हैं, एक कह रहा है मेरी एक्शन फिगर बनती थी, मैं कॉमिक बुक में आया हूँ, भाई मारो मुझे मारो। और निक फ्यूरी बोल रहा है कि ये लोग कभी चुप ही नहीं होते, और मैं इनको देख के बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ, हम भी नहीं है भाई, स्पाइडरमैन तो आप जानते हैं बच्चा ही है वो कॉलेज का, तो अगर ये ऐसी बात नहीं करेगा तो कौन करेगा। और ये बोल रहा है यहाँ पर कि इस निक फ्यूरी ने पांच डायमेंशंस के अलग अलग, पांच वर्ल्ड के अलग अलग से निक फ्यूरी भेजे थे स्पाइडरमैन को चुप कराने के लिए, पर इन लोगों ने पलक तक नहीं झपकाई और ये अपनी बातें करते ही रहे। अरे भाई भाई जब निक फ्यूरी नहीं जीत पाया तो हम क्या चीज़ हैं। और ये बोल रहा है कि यहाँ पर इन चीज़ों को देख के मुझे डाउट होता है कि हम लोग पृथ्वी को क्यों बचाते हैं इन जैसे लोगों को बचाने के लिए। ओ भाई सही था भाई, ये तीनों स्पाइडरमैन अपनी मस्ती चल रही है इनकी, और निक फ्यूरी ने जो इनको ताने मारे हैं। तो गाइस यहाँ पर जो हमारा एक साइड मिशन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखो मैप के अंदर बहुत सारे साइड मिशन हैं जिनको आप खेलोगे तो आपका जो लेवल है करेक्टर आपका अपग्रेड होगा, तो अल्टीमेटली मतलब आपके करेक्टर के डेवलपमेंट के लिए बढ़िया चीज़ है। और मेरे ख्याल में जो गेम का मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरीके का होगा कि आप लोग डायरेक्ट मिशन को खेल ही नहीं पाओगे, मतलब जैसे मान लो उसके लिए रिक्वायरमेंट ऐसी होगी कि आप लोगों को यहाँ पर साइड मिशन खेलने ही पड़ेंगे, वरना आप कर ही नहीं पाओगे आगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज की जो आगे की स्टोरी है हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप लोग बाकी गेम्स को खेलो, मजे करो यार, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, आपको वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट करके बताएं, और आपका एक्सपीरियंस गेम को खेलने कैसा रहा वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं, और कौन सी गेम की वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं वो भी आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अपने अमेजिंग फ्रेंड्स साथ इस वीडियो को शेयर करें, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग गेम रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने अमेजिंग फ्रेंड्स से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक्स।